हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। आज की गोपाल चंपू क्लास कीर्तन से प्रारंभ करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ यशोदानंदन कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण राधा गोविंद राधे,
राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। सभी भक्तों का आज की इस गोपाल चंपू क्लास में स्वागत है। कल हम श्रवण कर रहे थे श्री गोपाल चंपू ग्रंथ के उत्तर भाग से, जिसमें कृष्ण का जो अलग अलग रानियों के साथ विवाह हुआ उसका वर्णन था, किस रानी के साथ में कैसा विवाह हुआ था। कल हमने श्रवण किया था किस प्रकार से जामती सत्यभामा से विवाह हुआ था, उसके बाद जो है जो दूसरी कालिंदी से उनका विवाह हुआ था, अभी नग्न जीता से विवाह चल रहे का प्रोग्राम चल रहा है, उसके विवाह के लिए राजा ने शर्त रखी थी। कि जो उसके बैलों, 7 बैलों को एक साथ बांध देगा, वो अपनी कन्या नगजीता का भी अवश्य कर देगा। ये इसके जो 7 बैल थे अरिष्टासुर के समान थे पाव। अभी ब्रजराज को जब कथा सुना रहे तो कृष्ण ने वो 7 बैलों को बांध दिया। उसके बाद अयोध्याधिपति नगजीत ने श्री कृष्ण का अनुगमन करने के लिए दासियों के सहित जिन दासों को नियुक्त किया था, जिस सेना समूह को नियुक्त किया था, उन सबको भी अपनी कन्या के साथ में दे दिया। उनको भी उस अपनी कन्या के साथ में दे दिया। इस प्रकार से नग्नजीत राजा नग्नजीत की कन्या नग्नजीता का विवाह हो गया। उन 7 बैलों ने पहले जिन राजाओं को भग्न कर दिया था, गिरा दिया था, वे सब तो श्री कृष्ण से लड़ने के लिए उनके मार्ग में संलग्न हो गए, किंतु अर्जुन ने सब तो केवल भगा दिया, बाणों से विदीर्ण नहीं हुए। ब्रजराज बोले, बताओ हमारा लालो मंगल के सही द्वारकापुरी पे द्वार पर पहुंच गया है क्या। दोनों दूत बोले, और क्या, देखो जिस द्वारका के द्वार पर पहुंचते ही हम दोनों ने यहाँ आने के लिए यात्रा की। अब सप्तम विवाह वर्णित होता है।
अब सप्तम विवाह वर्णित होता है। पहले दोनों दूतों के चले जा रहे हैं, पर दूसरे दो दूत शीघ्र ही आकर सम्मिलित होकर बोले कि वसुदेव की बहन रूप से प्रसिद्ध श्रुत कीर्ति के पुत्र भी चंद्रमा की पूर्णता के समान कीर्ति होने के कारण राजा नग्नजीत के समान हो गए हैं। सभी ब्रजवासी बोले किस प्रकार हो गए? दोनों दूत बोले उन्होंने भी सभी गुणों से मंगलमय अपनी बहन भद्रा के द्वारा अपनी लालसा के विषय बनाए गए श्री कृष्ण के लिए सहस दे दिए। देखो भद्रा के संतर्धन आजी पांचों भाइयों का श्री कृष्ण में जो भक्ति थी, मानो निश्चित रूप से वो भक्ति ही भगिनी होकर प्रकट हुई, क्योंकि उनकी भक्ति अपनी भगिनी से अभेद होने के कारण उस भद्रा नामक भगिनी में ही प्रकाशित हुई। उसके बाद मधुकंठ श्रीकंठ में दोनों पुत्र को दो तूतों की तरह अपने मन में विवेचना करने लगी कि हम दोनों भाइयों ने बाल्यकाल से भद्रा की भक्ति उस समय उस सभा में विवेचना के सहित सुनी तो है, तो भी पर्जन्य आदि गुरुजनों की सभा में प्रकट करने योग्य नहीं। भद्रा की भक्ति जैसे केकई काश्मीर देश के राजा धृत दुष्ट केतु की पुत्री सतकुलोत्पन्न ये भद्रा श्याम अंग वाली पीत वस्त्र वाली श्री कृष्ण की समुद्र पर प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ खेलती हुई अनेक प्रकार के राजकीय वैभव के द्वारा स्पष्ट उस प्रतिमा की पूजा करती हुई अपने मन में जो मनोरथ धारण करती थी उस मनोरथ को मन से लज्जित होकर बारंबार छिपाती बारंबार अस्थिरता को प्राप्त हो जाती। अब अष्टम विवाह वर्णित होता है। इसमें अवसर को प्राप्त करने वाले दूसरे दो संदेश वाहकों का कथन विस्तारित किया जाता है। जैसे पश्चिम दिशा में निर्मल सिंधु नद के तीर पर मद्र देश का अधिपति कोई बृहत सेन नामक राजा विद्यमान है। उसकी कन्या भी शुभ लक्षणों के कारण लक्ष्मा नाम को प्राप्त हो गई है, किंतु अब तो विलक्षण होने के कारण नाते शुभ अवसर वाली होगी। कारण यद्यपि ऊंचे कुल में उत्पन्न होने वाली कन्या अपने अंतकरण में स्थित श्री कृष्ण प्रेम को कहीं भी प्रकट नहीं करती थी, तथापि उसके स्वप्न में होने वाले कथन उसकी माता पिता आदि जन के निकट उस प्रेम को प्रकट कर देते थे। उसके स्वप्न के कथन है जैसे, हे सूर्यदेव मैं आपको नमस्कार करती हूँ, आप कृपा करके मेरे हाथ से निरंतर अमूल्य रत्नों से युक्त इस अर्घ्य को एवं प्रशंसनीय इस पूजा को ग्रहण कर लीजिए। मैं पूज्यपाद आपके प्रति अनेक प्रकार से क्या कहूँ। मैंने पुत्री रूप से आपके प्रति समर्पण कर दिया है, अतः है प्रभु आपकी पुत्री कालिंदी की तरह आप मुझको भी मन भावते श्री कृष्ण रूप वर से युक्त करके प्रसिद्ध कर लीजिए। लक्ष्मणा की माता उसके पिता के प्रति अपने स्वाभाविक कथनों को निवेदित करती बोली, है मध्य देश के राजन, देखो तुम्हारी बेटी लक्ष्मणा सोती हुई हाय आकाश में मेघ के भ्रम से उत्पन्न करने वाले प्रकाश वाला कोई नव युवक मुझको देखता हुआ मंदहास करता है, अतः मैं लज्जित होकर अपने सखियों में छुप जाती। इस प्रकार बारंबार ग्रस्तम अधूरे वचन क्यों कहती रहती है? मैं उसकी माता होकर भी उसके वचन को नहीं समझ पाती। उसके बाद जो मद्रपति उस लक्ष्मण के देह का जनक था, उसने उसके स्नेह जनक होकर आगे की प्रतिज्ञा में कहा जाने वाला मंगल जनक उपाय प्राप्त किया कि जिस उपाय में सभी धनुधारियों के द्वारा न करने योग्य कर्म को करने वाले अर्जुन की भी निस्सारता पुष्ट कर दी।
वहां पर उस सिपाही की विज्ञापिका मद्र प्रति की प्रतिज्ञा थी, यथा विशाल प्रांगण के बीच में जल से भरी हुई परिखा में, खाई में, दुर्गम नीचे के प्रदेश में, स्तंभ के ऊपर आवरण में स्थित, जिसका तल भाग आवरण से रहित है तथा जो अतिशय घूम रहा है, ऐसे उस मत्स्य के शरीर को जल में प्रतिबिंबित होने के कारण एक बार देखकर जो व्यक्ति मेरे धनुष को खींचकर चढ़ाकर बाण के द्वारा काट देगा, उसी व्यक्ति के लिए मेरी श्रेष्ठ पुत्री लक्ष्मणा को दे दी जाएगी। अतः इस प्रकार के निर्णय करके, इस प्रकार की प्रतिज्ञा पत्रिका को वितरण करके मद्रपति ने वीर क्षत्रिय बुला लिए कि तो मद्र देश के द्वारा पूजित हुए भूपति अपनी अपनी विजय को व्यक्त करते हुए धनुष को ग्रहण करना, धनुष पर डोरी चढ़ाने में न गिरना, धनुष पर डोरी चढ़ा देना, वेदन करने योग्य मछली के प्रांत का स्पर्श कर लेना इत्यादि रूप से धनुष को लक्ष्य करके प्रयोजन का निर्वाह करने वाली जो जो क्रियाएं हुई, उन क्रियाओं में अपने वर्ग पति भूपतियों में पहले पहले की अपेक्षा दूसरे दूसरे भूपति स्पष्ट विजय की विधि को प्राप्त हो गए। देखो, मैं तो उसी मध्य प्रदेश के अधिपति का अभिवादन करता हूँ जिसने श्री कृष्ण के शत्रु समूह को अपनी कन्या के दान के बहाने, मैं तो उस मध्य देश के अधिपति का अभिवादन करता हूँ जिसने श्री कृष्ण के शत्रु समूह को अपनी कन्या के दान के बहाने धनुष का चढ़ाना आदि पूर्वोक्त क्रम से नीचे कर दिया। एवं मत्स्य के भेदन रूप जिस कार्य में जरासंध, शिशुपाल, दुर्योधन, भीष्म, कर्ण आदि वीर बनों ने धनुष की प्रत्यंचा का आरोपण मात्र किया था, उस मत्स्य भेदन के विषय में और दूसरे विचारे कौन समर्थ हो सकते। और जिस 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 विषय में जयशील, जिस अर्जुन ने न दिखते हुए मत्स्य के शरीर को सभी जनों के देखते हुए अपने बाण से स्पर्श कर लिया, उस अर्जुन को भी जीतने वाले एवं उस मत्स्य का छेदन करने वाले श्री कृष्ण को ही राजा ने अपनी कन्या का वर मान लिया। और देखो, अर्जुन पहले केवल अर्जुन नामालय ही था, किंतु इस मत्स्य भेदन के प्रसंग में श्री कृष्ण ने अपनी विजय दिखाकर अपने मंद हास्य की कांति से व्याप्त हुआ अर्जुन पुनः शरीर में भी अर्जुन भाव को अर्थात शुक्ल वर्ण को तथा शुद्ध भाव को प्राप्त हो गया। श्री कृष्ण ने ब्रजसेन राजा के बनाए हुए मत्स्य का जो छेदन किया था, वो तो केवल छल मात्र था, बहाना मात्र था, कि तो शत्रुओं के मान को ही छेदन कर दिया था, ये समझ ली, क्योंकि उसमें आकार के भेद से भिन्नता नहीं। तात्पर्य, श्री कृष्ण ने जिस बाण के द्वारा मीन का छेदन किया था, उसी बाण के द्वारा वहां पर उपस्थित सभी शत्रुओं के मान का भी छेदन हो गया था। एक कार्य के द्वारा दूसरा कार्य भी सिद्ध हो जाना, यही आकार का भेद है। वस्तु मीन शब्द के दीर्घ इकार के स्थान में आकार कर देने से मान शब्द बन जाता है। अतः मीन शब्द के साथ मान शब्द के आकार आकार मात्र का भेद। मीन का जो छेद हुआ उसको विज्ञजन इस प्रकार वर्णन करते हैं कि श्री कृष्ण ने पहले धनुष को धारण करके उसकी डोरी से युक्त करते हुए बढ़ते हुए टंकार शब्द के सहित कान तक खींचकर बाण छोड़ते हुए मीन के ढकने को तोड़कर दूर से मीन के मध्य स्थल को और दुष्टों के अंतःकरण को विदीर्ण कर दिया। और असुरों को छेदन करने वाले श्री कृष्ण के बाण ने प्रकाश मारे अभेद्य दिव्य कवच के द्वारा दो तीन परत की स्थिति वाले आवरण को अर्थात मीन के ऊपर ढकने को भेदन करते हुए एवं
वज्र से बने हुए प्रतिक्षण घूमते हुए मीन के मध्य भाग का छेदन करके तथा आवरण मीन के घिसने की प्रगता से उत्पन्न हुई अग्नि की विशाल गर्जना की शोभा से तर्जन लगाते हुए शरत विद्यमान अरबों खरबों शत्रु को जीत लिया। और देखो अब जब अभिजीत नाम से प्रसिद्ध मुहूर्त उपस्थित हो गया तब श्री कृष्ण का मत्स्य भेदन का समय भी हो गया था। और देखो जब अभिजीत नाम से प्रसिद्ध मुहूर्त उपस्थित हो गया तब श्री कृष्ण का मत्स्य भेदन का समय भी हो गया था। और जब वह समय हो गया तब मत्स्य का भी छेदन कर दिया। जब एवं जब मत्स्य छेदन हो गया तब आकाश से पुष्पों की वृष्टि हो गई। जब आकाश से बारंबार पुष्प गिरने लगे तब मृदपति ब्रजसेन की कन्या ने श्री कृष्ण का वरण कर लिया। और उसने जब श्री कृष्ण का वरण कर लिया तब भूमि में स्वर्ग में प्रशंसनीय बाजे बजने लगे। श्री ब्रजराज बोले उसके बाद क्या? दोनों दूत बोले उसके बाद श्री कृष्ण ने उन जरासंध आदिकों को प्रकोपित कर मुख नेत्र कर चरण आदि की कांतियों के द्वारा कमलों की बनी की तरह उस लक्ष्मणा को रथ में बैठा कर बाणों के द्वारा बनाए गए पिंजरे के द्वारा गुप्त करके द्वारका को जाते हुए मार्ग में आगे की ओर युद्ध की चेष्टा करने वाले जरासन आदि शत्रुओं को वर्षा काल जिस प्रकार राजहंसों को भगा देती है उस प्रकार घने बाणों के प्रक्षेप वर्षा की धारा के द्वारा भगा दिया गया और कितने ही शत्रुओं को प्राणों से मुक्त कर दिया। हे ब्रजराज देखो विष्णु नामक सूर्य अवसर को पाकर अपने तेज के द्वारा अपने मंडल को जिस प्रकार सुशोभित कर लेता है उसी प्रकार आपके लाला श्री कृष्ण ने अपने द्वारकापुर में आकर अपनी लोकोत्तर कांति के द्वारा अपने पुर को सुशोभित कर दिया। उसके बाद ब्रजसेन राजा ने भारी सेना के सहित द्वारका में जाकर गाने बजाने आदि महोत्सव के सहित अपनी पुत्री के विवाह उत्सव को भली प्रकार झलका दिया। अनंतर मधुकंठ प्रसंग की समाप्ति का द्योतक वचन बोला है ब्रजेश्वर इन बुद्धिमान श्री कृष्ण ने आपकी आज्ञा से उन रुक्मणी आदिकों का पाणी ग्रहण कर लिया किंतु अब तो आपके पूर्वोक्त मनोरथ की स्थिति को विस्तारित करके आपके निकट ही विराजमान। मधुकंठ के इस प्रकार के वाक्य सुनकर श्री ब्रजराज बलपूर्वक श्री कृष्ण को अपनी गोद में खींचकर हर्षपूर्वक आलिंगन करते हुए श्री कृष्ण के मस्तक पर आंसू बहाने लगे। और ब्रजेश्वरी माँ श्री यशोदा भी इस अवसर में श्री कृष्ण में पदाकार होगी। अनंतर ब्रज के बद्दी जन श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए सभी को आनंदित करने लगे। हे सत समाज में विराजमान गोपराज आप इन नेक इन श्री कृष्ण की ओर तो देखो। इनने इस प्रकार ब्राह्मण आदि जन समूह महोत्सव में तो निमग्न है सुख एवं क्रीड़ा को सेवन करके भीष्मक नंदिनी रुक्मणी आदि तीन कन्याओं का पारिग्रहण किया। अर्थात पहले रुक्मणी सत्यभामा जामवंती इन तीनों के साथ विवाह किया। एवं पश्चात अपने ऊपर तृष्णा वाली यमुना के अंतरद्वीप में तपस्या करने वाली सूर्य पुत्री कालिंदी को प्राप्त कर लिया। पुनः बिंद अनुबिंद के प्रयास को नष्ट कर उनकी बहन मित्रविंदा ने श्री कृष्ण को बोल लिया। हे ब्रजराज आप यह भी सुनिए कि कौशल पति नग्नजीत की पुत्री सत्या को अयोध्या में अंगीकार किया जहां पर मदमत उन सात बैलों को बांधकर श्री कृष्ण ने मंगल को भी प्राप्त कर लिया। किंच संतरदन आदि पांचों भाइयों ने भद्रा नाम की अपनी बहन दान के स्थान की योग्यता को जानकर अपने भक्तों पर तृष्णा रखने वाले श्री कृष्ण को समर्पण कर दिया।
हे गोपराज, श्री कृष्ण के अष्टम विवाह के विषय में आप इस प्रकार समझ लीजिए कि लक्ष्मणा नामक मदराज की कन्या को श्री कृष्ण का भजन करने वाली समझकर उसके पिता भरतसेन श्री कृष्ण को ही अपनी कन्या की योग्य चाहता ही था, किंतु उसने श्री कृष्ण वर की प्राप्ति के विषय में छोटे से मीन के वेश वाला लक्ष्य बनाया। अतः प्रसिद्ध कीर्ति वाले जन श्री कृष्ण ने दृष्टि के अगोचर उस मीन का भेदन करना चाहा। उन्हीं श्री कृष्ण को इस ब्रज ने अपने गुणों के द्वारा मंगल विधान पूर्वक बुला लिया। इस प्रकार ब्रजराज की सभा के मध्य की कथा की परिपाटी समाप्त हो जाने पर श्री राधा माधव की सभा में विस्तारित कथा। मधुकंठ बोला, श्री रुक्मणी आदि के पूर्वोक्त विवाह श्री ब्रजराज की सभा में जब प्रस्तुत हुए तब उन मृग लोचना और मृजांगनाओं ने दूतों के मुख से पूर्ण रूप से अनुभव नहीं किया था, किंतु परंपरा से यह थोड़ा सा अनुभव किया था। यह बात पहले व्यक्त कर दी गई थी। अब तो उन विवाहों के विषय में श्री कृष्ण के तात्पर्य पर विचार किया जाता है। देखो, श्री कृष्ण ने द्वारका में जो विवाह किए थे वह तो केवल समय बिताने का उपाय था। देखो, श्री कृष्ण ने द्वारका में जो विवाह किए थे वो तो केवल समय बिताने का उपाय था। कारण चंद्रावली आदि गोपियाँ, श्री रुक्मणी आदि क्षत्रिय कन्याएं, वे सब एक से धर्म वाली थी, अर्थात उन सबका श्री कृष्ण सेवा रूप एक ही धर्म। क्योंकि कुरुक्षेत्र की यात्रा में रुक्मणी आदि पटरानियों में की श्री कृष्ण में जो तत्परता थी उसके श्रवण करने वाले अंगनाओं की गणना में कुंती, गांधीरी, द्रौपदी, सुभद्रा, राजमय महिलाएं तथा निजी गोपियां सब सर्वांतरयामी श्री कृष्ण में रुक्मणी आदि आठ पठरानियों के निर्मल प्रेमानुबंध को सुनकर आंसुओं से व्याकल नेत्र वाली होकर अत्यंत विस्मित हो गई। इस भागवती प्रमाण के द्वारा उन गोपियों की उन रुक्मणी आदि में अपनी एकरूपता ही अनुमोदन करके दिखाई दे। देखो, चंद्रावली सखी के साथ श्री रुक्मणी, श्री वशभानु नंदिनी और श्री राधिका के साथ सत्यभामा, विशाखा के साथ सूर्यकन्या कालिंदी, ललिता के साथ जामवती, श्यामा सखी के साथ लक्ष्मणा, शेब्या सखी के साथ मित्रविंदा, भद्रावली सखी के साथ भद्रा, पद्मावली के साथ सत्य स्वभाव से देह से किंचित समान स्फूर्ति पा रहे। उन सब की परस्पर केवल एक धर्मिता थी, इसलिए श्री कृष्ण के सुख की कारणता थी सो बात नहीं, किंतु चरणों में तेल मर्दन करने से जैसे नेत्रों की तृप्ति होती है। उसी प्रकार रुक्मणी आदि उन पटरानियों के उपभोग से इन गोपियों की भी किसी प्रकार की इस प्रकार एकता के अंश का कारण चिकित्सित तृप्ति उससे कालक्षेप ही हुआ था, किंतु विक्षेप नहीं। अर्थात रुक्मणी आदि पटरानियां श्री कृष्ण के चरण स्थानीय है, श्री राधिका आदि गोपियां उनके नेत्र स्थानीय। अतः श्री कृष्ण के द्वारा पटरानियों के उपभोग से गोपियों की किंचित तृप्ति हुई, किंतु उनके चित्त में किसी प्रकार का विक्षेप नहीं। गोपियों के साथ एकता के अंश का सेवन करने वाली रुक्मणी आदि पटरानियों ने श्री कृष्ण के संबंध की स्फूर्ति गोपियों में भी होती, इस बात को तो रहने दिए। किंतु अब श्रीमद भागवतम के दशम स्कंध के युग्म श्लोक प्रतिपादक युगल गीत वाले 35वें अध्याय की दृष्टि से दूसरे प्रकार की स्फूर्ति का भी अनुभव कीजिए। देखो, श्री कृष्ण ब्रज में यदि दूर से वंशी लता एवं नदियों का चुंबन करते हैं, अर्थात वंशी का निज मुख से लताओं के कर के द्वारा स्पर्श तथा नदी का चरण स्पर्श से यदि चुंबन करते हैं, तब भी ये गोपियां श्री कृष्ण के स्फुरित हर्ष से रोमांच और स्तंभ भाव को प्राप्त हो जाती। ऐसी स्थिति में
रुक्मणी आदि को श्री कृष्ण संबंधी संघ की स्फूर्ति गोपियों में होना संभव नहीं था। इसी प्रकार आगे के प्रसंग में कहे जाने वाले 16,000 की संख्या वाले श्री कृष्ण के विवाहों के द्वारा अन्य 16,000 श्री कृष्ण के पत्नियों के श्री कृष्ण के संग की स्फूर्ति गोपियों में होती थी, इस रहस्य को भी जान लेना चाहिए। अच्छा, बीते हुए प्रसंग को जाने दी। किंतु अब तो है श्रीमती राधे के तुम्हारे आलिंगन के संगी श्री कृष्ण की द्वारकापुर वासी ने प्रियाएं दूर से ही विराम करें, क्योंकि इस समय शोभायमान ब्रज में भी जो अनेक प्रकार की गोपियां श्री कृष्ण में सम्मिलित हुई है, वे भी तुम्हारी तुलना को नहीं धारण करी, अर्थात अब तो आप ही सर्वोच्च विराजमान, आपकी जय जयकार। इस प्रकार विवाहों की कथा कहकर दोनों कथावाचक सभी श्रोताओं के सहित अपने निवास स्थान पर पहुंच गए। श्री राधा माधव भी अत्यंत रमणीय इस वाक्य को सुनकर अच्छी प्रकार सुख पाकर रात्रि में विवाह करने योग्य लीला भवन का अनुशीलन कर। इस प्रकार से सत्रह अध्याय पूर्वे 17 पूरण पूरे हुए। 18वां अध्याय में नरकासुर का संहार होता है, पारिजात हरण होता है, 16,000 कन्याओं का पाणी ग्रहण। नरकासुर के संहार में पारिजात हरण 16,000 कन्याओं के पाणिग्रहण में हम आगे सुनते हैं। इस 18वें अध्याय में सत्यभामा के सहित श्री कृष्ण का प्राग ज्योतिषपुर में जाना, परिवार सहित नरकासुर को मारना, स्वर्ग से कल्पवृक्ष का हरना, 16,000 कन्याओं के साथ विवाह करना इत्यादि विषय वर्णित होगा। अनंतर श्री कृष्ण के श्रीमुख की परम शोभा के पान से सुखमय महोत्सव को प्राप्त करने वाली श्री ब्रजराज आदि महानुभाव की सभा में स्निग्ध कंठ कहने लगा, किसी समय पहले की भांति अवकाश को प्राप्त करने वाले दूसरे दो दूतों के निकट श्री ब्रजराज का पूछना रहता है, दूतों इस समय का यथार्थ श्री हरि का वर्णन कर दो। दोनों दूत बोले, इस समय तो श्री कृष्ण का मनुष्य लोक का अतिक्रमण करने वाला है, इंद्र तथा देवर्षि नारद इन दोनों के प्रश्नोत्तर से परिपूर्ण दो श्लोकों वाला श्लोक अर्थात यश उत्पन्न हुआ था। यथा इंद्र बोला है, देवर्षि नारद बताइए, इस समय प्रकट रूप में नरकासुर का छेदन करने वाला कौन है, मारने वाला? नारद जी बोले, देवेंद्र, ये इंद्र बोल रहा है। नारद मुझसे पूछा है, त्यान बोले, बताए देवेंद्र, जो अपने नाम संकीर्तन से नरकों का छेदन करने वाला है, वह नरकासुर का भी छेदन करने वाला है। इंद्र ने प्रश्न किया, स्वर्गीय तपोधन, स्वर्ग को अपरिजात अर्थात शत्रुओं से रहित कौन व्यक्ति कर सकता है? नारद जी ने उत्तर दिया, सर के अधिनायक, देखो जो व्यक्ति स्वर्ग को पारिजात वृक्ष रहित कर सकता है, वही शत्रुओं से रहित कर सकता है। श्री ब्रजराज बोले, यदि कथा की अवशिष्ट कोई विशेष बात हो तो कहो। दोनों दूत बोले, एक समय द्वारका में सदैव शुभ धर्मों से युक्त स्वधर्मा नामक सभा में त्रिलोकी पालन करता श्री कृष्ण परिहास आदि के द्वारा सभी सभासदों के सुख को उत्पन्न करने वाले विराजमान थे। उनके शोभायमान होने पर आकाश में अकस्मात शुक्ल मेघ की तरह कोई वस्तु चमक उठी। उस वस्तु में केवल चमकना मात्र ही नहीं था, किंतु वर्षा करने वाले मेघ के शरीर का भाव भी प्राप्त हो रहा था, अर्थात वो वस्तु वर्षालु मेघ भी बन रही थी। केवल उतना ही नहीं, किंतु वस्तु गर्जना का भी उपार्जन कर रही थी। यह देखकर सभी सभासद वर्णन कर ले कि को मेघ नहीं आ रहा है, क्योंकि उसका तो आना ऊपर से नीचे की ओर जाना ही रहा, किंतु टेढ़े आकाश नहीं, अर्थात मेघ तो टेढ़ी साल से आकाश में चलता है, सीधा नीचे की ओर नहीं जाता, अतः मेघ के समान वर्ण वाली है कौन सी वस्तु। इस प्रकार के विचार से सभासद जब चुप बैठे थे, तब उस वर्षालु मेघ किसी वस्तु से ध्वनि भी कर्ण मार्ग में अक्षरों के स्वरूप को प्राप्त हुई, अतः उस मेघ का शब्द स्पष्ट अक्षरों वाला हो गया। जो पुराण पुरुषोत्तम प्रभु हम सब देवताओं की रक्षा के लिए निमित्त अनेक अवतार धारण कर शोभा पाता है, वह उन सबों असुर का विनाश करता हुआ स्वतंत्रता पूर्वक लीला करता और क्रीड़ा करता है, वही प्रभु मेरी प्रार्थना सुनने के लिए थोड़ी सी सावधानी कर लेते हैं तो अपने लोकपालों के सहित इंद्र यादवों की सभा में प्रेम पूर्वक प्रवेश करता हूँ, उन प्रभु के पाद पद्मों को देख सकता हूँ।
यह सुनकर सभी वर्णन करने लगे, अरे भाइयों, यह तो एरावत आती है किंतु शुक्ल वर्ण वाला मेघ नहीं है। यह तो आनंद अश्रुओं की धारा है किंतु वर्षाती जल नहीं है। यह तो स्तुतियों का शब्द है किंतु मेघ की गर्जन गंभीर गर्जना नहीं है। अतः हमें तो ये मालूम होता है कि इंद्र ही श्री कृष्ण के निकट इस सभा में आ रहा। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद आपके कुल रत्न श्री कृष्ण की आज्ञा से सभा की सेवा करने वाले सेवकों के द्वारा उसके बाद आपके कुल रत्न श्री कृष्ण की आज्ञा से सभा की सेवा करने वाले सेवकों के द्वारा प्रयत्न पूर्वक बुलाई हुई इंद्र ने तो अधिक आदर के साथ देव समूह से सम्मिलित होकर सुदरामा सभा में आते ही दंडवत प्रणाम को ही आगमन का साधन बना लिया। आए हुए इंद्रादि देव किस कार्य के लिए आए इस बात को जानने की इच्छा से श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक आदर करके उस सभा में बैठा दिया और वे बैठे हुए देवता गर्दन को नीची करके अतिशय भक्ति के आवेश से बोलने की शक्ति के अभाव से कुछ क्षण तक मौन को ही पुष्ट करते रहता चुप बैठे रहे। उस समय मुनि श्रेणी अपने मन में ये मानने लग गई कि मोतियों की पंक्ति में पहले जिस प्रकार कोई कांच का टुकड़ा हार के सुमेरु की पदवी को प्राप्त कर चुका हो, किंतु अभी इंद्र नील मणियों का सम्राट जिस प्रकार उत्कर्ष को प्राप्त करा उस प्रकार पहले इंद्र भी सुधर्मा सभा में अधिपति हुआ था। अब अब तो ये श्याम सुंदर असुरारी श्री कृष्ण ही स्वयं प्रभु हो रहे। उसके बाद यादवेंद्र महाशय श्री कृष्ण विनय पूर्वक प्रेम से वार्तालाप करने लगे, हे देवराज, आप सब त्रिलोकी के पालन करता हो, करीब मर्त्य लोक में जिस कारण आए हो उस कारण से तो हम यही मानते कि मर्त्य लोक का पालन करने के लिए आया हो, कारण हम सब पितो मानव। यह सुनते इंद्र विवर्णता पूर्वक करने लगा कि जो सभी के सभी कार्यों का करता है केवल वह परमात्मा ही स्वतंत्र हो सकता है, अतः प्रभु अपने कर पाद आदि अंगों के कर्तापन आदि के प्रयोजन में भी असमर्थ कौन सा व्यक्ति इस परमात्मा से श्रेष्ठ हो सकता है, अतः सर्व समर्थ सर्वतत्व स्वतंत्र कर्ता प्रभु आप ही साक्षात परमेश्वर विराजमान। श्री कृष्ण बोले, यथेष्ट आज्ञा दीजिए। इंद्र बोला, हे भगवान, लज्जा तो उसके निकट करनी चाहिए जिसके निकट वह लज्जा शीघ्र शांति को प्राप्त होती। श्री कृष्ण बोलते हैं, यथेष्ट आज्ञा दीजिए। इंद्र बोला, भगवान, लज्जा तो उसके निकट करनी चाहिए जिसके निकट वो लज्जा शीघ्र शांति को प्राप्त हो, एम उसके निकट लज्जा नहीं करनी चाहिए जिसके निकट वो लज्जा शीघ्र शोभा को प्राप्त होती। अतः मैं आपके निकट लज्जा को त्याग कर निवेदन करता हूँ कि प्राग ज्योतिषपुर में पापियों के संसर्ग से मलिन हुई पक्षे ऋतुमती भूमि से जन्म लेने वाला जो नरकासुर है उसके विषय में अधिक क्या कहे, जिसमें नरक इस नाम से ही नरक में जितने क्लेश आदि गुण है वे सब प्रकाशित कर दिए गए। उस नरकासुर ने वरुण के छत्र को ए हमारे रत्न पर्वत को छीन को जो कुछ किया है, उस नरकासुर ने वरुण के छत्र को ए हमारे रत्न पर्वत को छीन कर जो कुछ किया अथवा माता अदिति के कुंडल को छीन कर और भी जो नीचा दिखाया है सुदर्शन चक्र एवं गदा को धारण करने वाले प्रभु उसको क्या कहें, उससे तो आपको भी लज्जा होगी। श्री कृष्ण बोले, उस नरकासुर ने उस प्रकार का जो भयंकर काम किया उसको तो संसार भर ही जानता है। पर हमको लज्जा भी जब ही हो सकती है यदि हम उसका प्रतिकार न कर सके अर्थात बदला न ले सके। यदि आप सबको ये बात अंगीकार हो तो हम आकाश में भी गंध गुण के भाव को वहीं पृथ्वी में भी गंध गुण के भाव को दूर करते हुए समान। इसलिए अदिति माता के अमृत को बहाने वाले उस कुंडल को नरकासुर की मृत्यु को बहाने वाला कर दो। इंद्र बोला, भगवान, उस नरकासुर ने माता के जिस कुंडल का अपहरण किया है उस अपहरण से तो माता के कान का भी अपहरण हो गया है, कारण जिसके श्रवण मात्र ने हम भी बहरे कर दिए, अतः मानो हमारे कान भी हर लिए। श्री कृष्ण बोले, उस नरकासुर ने केवल कुंडलों का ही अपहरण नहीं किया किंतु अपने प्राणों का भी अपहरण किया है, अतः स्वतंत्रता पूर्वक शत्रु समूह को जीत लिया। वो ये मानकर पूज्य पाद आप सब स्वर्ग के प्रस्थान।
उसके बाद वे इंद्रादि देव श्री कृष्ण के पाद पद्मों के स्थान पर्यंत की भूमि का स्पर्श करके अपने मस्तक स्पर्श करते हुए श्री कृष्ण के अनुग्रह पूर्ण दृष्टि को देखकर अत्यंत सुख का अनुभव करते हुए ये निवेदन करने लगे, हे भगवान, देखो आपत्ति में पड़े हुए जनों की रक्षा करने वाला हमारा भाई ये गरुड़ इस नरकासुर के विजय में आपके जाने का आसन अर्थात यान हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, गरुड़ तो श्री नारायण का आसन है, अतः हम मानवों के आसन रूप से कैसे कल्पित होगा। देवता मुस्कुरा कर बोले, हमारी इच्छा से इस समय आप में भी श्री नारायण का भाव भी भली प्रकार प्रत्यक्ष हो जाएगा। श्री कृष्ण बोले, किंतु नारायण भाव मानव लीला में संकोच को प्रकाशित करता है। पुनः देवगण बोले, भगवान, हमारे लिए तो आपको अनभिलषित कार्य भी समर्थन कर देना चाहिए। श्री कृष्ण बोले, यज्ञ के अधिपति आप सब देवगण जैसी आज्ञा करें ठीक है। अतः इस समय सभी देवगण महोत्सव को प्राप्त करते हुए प्रणाम करते हुए श्री कृष्ण की प्रसन्नता का स्मरण करते जिस प्रकार आए थे उसी प्रकार चल रहे। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद पहले कभी सत्य भामा के प्रति पारिजात वृक्ष को देने की जो प्रतिज्ञा थी उसका ये उचित अवसर है। इस कारण श्री रुक्मणी आदि अन्य प्रेमवती पटरानियों के रहते हुए भी सत्य भामा के लिए पारिजात को देने के लिए छल के लिए सभी शस्त्रों के निवारण को प्रकाशित करने वाली वरासी अर्थात मोटी साड़ी से ढकी हुई सत्य भामा के साथ श्री कृष्ण पक्ष ने आज श्री गरुड़ के द्वारा प्राप्त कराई हुई आकाश से शस्त्र प्राग ज्योतिषपुर को चल दिए। किंतु भारिया के सहित कृष्ण का जाना बेरी के प्रति अपनी क्रीड़ा को स्वतंत्रता से युक्त जाना रहा है और वहां पर चलते समय दूसरा श्री कृष्ण गरुड़ पर चढ़कर शंख चक्र गदा पत्नी चारों को प्रसन्नता पूर्वक धारण कर जब चल दिए तब दोनों भुजाओं के प्रतिबिंब की तरह दूसरी दो भुजाएं भी दिखी। ब्रजराज बोले, इस बात को तो मैं पहले से जानता आता अपूर्व बात नहीं, क्योंकि श्री नारायण का अनुग्रह श्री कृष्ण के ऊपर नारायण की समानता को प्राप्त करता है। एम श्री गर्ग मुनि की वाणी सृष्टि अर्थात उच्चारण ये हे नंद जी, अतः तुम्हारा यह पुत्र गुणों के द्वारा श्री नारायण के समान। दोनों दूत बोले, सत्य है सत्य सत्य भामा में उसके बाद उत्पन्न हुई दो भुजाओं को देखकर उनके उनको छूकर वस्त्र से अपना मुख ढककर रहस्य करके हंसने लगे। श्री ब्रजराज बोले, दोनों दूत सत्य 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 भामा में उसके बाद उत्पन्न हुई दो भुजाओं को देखकर उनको छूकर वस्त्र से अपना मुख ढककर रहस्य करके हंसने लगी। श्री ब्रजराज बोले, उस बात को रहने दीजिए, अतः हम सबको दूसरे संतोष का भी सेवन करा। दोनों दूत बोले, उसके बाद स्वर्णमय गरुड़ के ऊपर इंद्र नीलमणि एवं स्वर्ण की प्रतिमूर्ति स्वरूप आपके पुत्र एवं पुत्र वधु की मूर्ति को देखकर आकाशचारी देवगण विचारने लगे। जैसे पक्षी के समान स्वर्ण पर्वत के आकाश से गमन करने पर दंपत्ति के तुल्य विद्युत क्षणीय मेघों के सार स्वरूपों दोनों का दर्शन करें। सभी सभासद बोले, वधूठी नव यौवना व सत्य भामा तो श्री कृष्ण के समान वर्ण रूप से कर्ण गोचर की जाती है, तब स्वर्ण के सेवन वाली किस प्रकार स्वर्ण के सेवन वाली किस प्रकार करें। दोनों दूत बोले, उसका स्वर्ण का सा वर्ण भी सत्य हो जाए सत्य जाना जाएगा, किंतु तो श्री कृष्ण के नाटक की परिपाटी जानी नहीं जा सकती। श्री ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, अतः इस प्रकार जिसका मध्य भाग देवों के द्वारा भी दुर्गम है उस दुर्गापुर में अर्थात प्राग ज्योतिषपुर में श्री कृष्ण पहुंच गए एवं जो दुर्गापुर पर्वत शस्त्र सरोवर स्वाभाविक अग्नि एवं दुर्ग के स्वरूप वायुओं के द्वारा चारों से घिरा हुआ है तथा उसी प्रकार निवात अर्थात शस्त्रों के द्वारा अभेद्य मूल नामक लोहे से बने हुए पांच समूह के द्वारा चारों से घिरा हुआ था और स्वच्छ रूप था उस दुर्गापुर को सर्पों के बेरी गरुड़ के ऊपर विराजमान श्री कृष्ण ने दूर से देखकर आश्चर्य को प्राप्त करें कौतूहल के वशीभूत होकर सत्य भामा को भी
आश्रय आवंटित करे, शरीर वाले बना दे। उस दुर्गापुर को देखने के लिए श्री कृष्ण अपने मन में विचार किया कि इन इंद्रिया आदि देवताओं देवों ने इन पर्वत आदि के परकोटाओं का लंघनी देखकर मुझको गरुड़ के ऊपर चढ़ना अंगीकार करवाया है। अतः गरुड़ के ऊपर चढ़कर आक्रमण करना तो छल से ही माना जाएगा किंतु बल से नहीं। और शूरवीरों के व्यवहार के योग्य तो बल ही है, अतः बल का प्रयोग करना ही मेरा कर्तव्य। ब्रजराज बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद गरुड़ वाहन श्री कृष्ण इस दुर्गापुर में यद्यपि ऊपर से ही प्रवेश करने को समर्थ है, तथापि उनके कौतुक के कारण दुर्गापुर के चारों ओर आक्रमण करके उसके पर्वत आदि के परकोटों को तोड़ने का मन किया। श्री ब्रजराज बोले, हाय किस प्रकार। दोनों दूत बोले, श्री कृष्ण ने पहले तो उस दुर्गापुर के चारों ओर लगे हुए पृथ्वी आदि पंच महाभूतों के संहार का क्रम आरंभ किया। उन पंच महाभूतों में से गदा के द्वारा, पर्वतों के बाणों के द्वारा, शस्त्रों को पिघलाकर पृथ्वी के अंश को जल के दुर्ग में प्रवेश करा दिया। उसके बाद चक्र के द्वारा जल को अग्नि में, अग्नि को वायु में, वायु को आकाश में विलीन कर दिया। सभी ब्रजवासी आश्चर्यपूर्वक बोले, उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद जो पृथ्वी के अंश छुरे की सी धार से काटने वाले 6,005 रूप अस्त्रों के रूप से प्रत्येक स्थित है, उनको भी तलवार के द्वारा रोई की तरह धो दिया। उसके बाद चारों ओर व्यवधान रहित होकर यह कार्य हुआ कि उस समय दुर्गापुर में श्री कृष्ण की शंख ध्वनि ने, दुर्गापुर मतलब ये है प्राग ज्योतिषपुर, मतलब ये गुवाहाटी वाला एरिया, उस समय दुर्गापुर में श्री कृष्ण की शंख ध्वनि ने केवल यंत्रों को ही व्यर्थ नहीं बनाया किंतु युद्ध में प्रशस्त मन वाले योद्धाओं के मन भी शीघ्र ही व्यर्थ बना दिए, क्योंकि वे शंख भी बारंबार भय का उत्पादक बन गए। आघारी श्री कृष्ण ने कमोदक नामक गदा के द्वारा परकोटा को जो तोड़ दिया, उसके बाद भी वही कार्य किया, क्योंकि जिस परकोटा के द्वार द्वारा फेंके हुए पत्थर के ढेलाओं ने उन विपक्षियों के पीठ आदि के अंगों को नष्ट नष्ट कर दिया, किंतु जल के परकोटा के लांगर में तो युद्ध भी खड़ा हो गया। किंतु जल के परकोटा के लांगर में तो युद्ध भी खड़ा हो गया था, यथा जल के आवरण स्वरूप उस समुद्र में काल का भी तिरस्कार करने वाला कोई भयंकर मूर नामक दैत्य पहले से सो रहा था, किंतु स्वर्ण के से पीताम्बर वाले श्री कृष्ण ने आते जाते जब पांचजन्य शंख की ध्वनि का अत्यंत वेग उत्पन्न किया, तब वो मूर दैत्य भी जाग उठा। वहां पर तो नरकासुर के विजय प्रसंग में दो विषय मुझको मोहित करने वाले थे, एक तो श्री कृष्ण के शंख का शब्द तथा दूसरा मूर दैत्य का शयन करना। कारण शंख का वो शब्द प्रलय कालीन वज्र के समान शब्द के समान पराक्रम वाला था, और मूर दैत्य का सोना भी असह्य रूप से विनाश का आश्रय वाला। और वहां पर पांच मुख वाला मूर दैत्य जब जल से उठकर त्रिशूल उठाकर खड़ा हुआ, तब तो वो सबका संहार करता हुआ शंकर के समान दिखाई दिया, और क्रोध से जागृत हुए तेज के द्वारा जब सबको रोकने लगा, तब प्रलय करने के लिए परस्पर संघर्ष से उत्पन्न भयंकर किरणों वाली अग्नि एवं सूर्य के समान प्रतीत हो, और जब पांच मुखों को फैलाने वाला, तब समस्त संसार को ग्रसने के लिए अच्छी तरह जीवा को फैलाने वाला काल अग्नि रूप रुद्र की तरह उपद्रव लिए खड़ा हो गया था, और मानव जब गरुण को जलाने की इच्छा वाला होकर सम्मुख दौड़ा, तब काल अग्नि रूप रुद्र के वक्षस्थल के से गिरे हुए सर की तरह दिखाई दिया। वो दौड़ा और जब चारों ओर से घेर कर अपने पंखों को फेंकने वाले गरुड़ के प्रति त्रिशूल को फेंकता हुआ दैत्य अपने को पांच मुखों के शब्द से फैलाने लगा, तब तो आप सब भी स्पष्ट रूप से उस शब्द का अनुभव करने के लिए स्थित थे। कारण आप सब ब्रजवासियों की तो बात ही क्या है, किंतु उस शब्द ने ब्रह्मांड रूप कटाह में स्थित सभी जनों को पीड़ित कर दिया था, ये बात निश्चित। उसके बाद ब्रज के सभी सभासद अब पहले अनुभव किए उस शब्द के स्मरण पूर्वक जिज्ञासा करने लगे कि उसके बाद क्या हुआ। दोनों दूत बोले, उसके बाद युद्ध के द्वारा
सुख रूप संपत्ति से आत्मा का पोषण करने वाले श्री हरि ने तो उन उपद्रव उन पूर्वोक्त उपद्रव का एक साथ ही दूर भगाते हुए वहां पर कौतुक धारण कर दिया और तीक्ष्ण मुख वाले दो ब्राह्मणों के द्वारा उसके त्रिशूल को तीनों भागों में विभक्त कर निर्मूल कर दिया। तथा देह के व्यूह के विस्तार को प्राप्त करने वाले पांच बाणों के द्वारा उसके पांचों मुख तरकस की तरह मार दिया। सभी सभासद आश्चर्य में बोले। उसके बाद दोनों दूत बोले, उसके बाद अपना उत्कर्ष करने की इच्छा वाले वस्तु तो मरने की इच्छा वाले उस देवते ने जो गदा छोड़ी थी उस बलवती गदा को भी अपनी गदा के द्वारा हजारों भागों में तोड़ते एवं उसके मुख वक्षल आदि को अंग समूह को भी सुदर्शन चक्र के प्रभाव से टुक टुक करके फेंकते हुए श्री कृष्ण ने सभी जगह आश्रय भर दिया। शिवराज बोले उसके बाद दोनों दूत बोले उसके बाद दिग्गजों की तरह मत मत मूल देवते के पुत्रों को जो कि दिग्गजों की तरह भ्रष्टा करने वाले सात संख्या वाले होकर भी पीठ नामक सेनापति के सहित आठ संख्या वाले होकर एवं सेनापति के संग से भारी गर्व से युक्त थे उनको कष्ट प्राप्त कराकर श्री कृष्ण ने काल कल्पित कर दिया। इस प्रकार अपने गर्व को नष्ट करने वाले लोकातीत श्री कृष्ण उन सब कर्मों को क्रमशः चित्र की तरह देखता हुआ नरकासुर अपने मर्म स्थान में क्षिप्त हो गया। दूसरे उपाय के अभाव से स्वयं ही निकलकर शीघ्र गति से सेना द्वारा अभिमुख जाकर निर्भय होकर उसने साथियों के सहित आक्रमण करके भी भयंकर युद्ध जागृत कर लिया जिस युद्ध में श्री कृष्ण ने अपनी प्रतिकूल सभी योद्धाओं को चारों ओर से लक्ष्य बनाया। देखो भूमि का बेटा नरकासुर समुद्र से उत्पन्न लाखों हाथियों से युक्त होकर अपने किले से बाहर निकलकर पद्म संख्या वाले सैनिकों के सहित शतघ्नि से युक्त बाणों की ज्वाला वाले अस्त्र समूह को छोड़ने लगा। श्री कृष्ण भी साथ साथ में अपने निकट तीन तीन बाणों के द्वारा उन अस्त्र समूह को चारों ओर से काटते हुए एवं उन योद्धाओं का देखने मात्र से उनको मस्तक आदि अंग समूह से रहित करने लगा। श्री कृष्ण अपने अजीवक अर्थात बाणों की शंका से शत्रुओं की सेना के कुटिलगामी हो जाने पर सर्पों के बैरी गणों को नियुक्त करते युद्ध को उद्योग करने लगे। अनंतपुर नरकासुर ने अपने पक्ष को फेंकने वाले गरुड़ के ऊपर शक्ति फेंक दी और उस भौमासुर ने गरुड़ के ऊपर पुनः दूसरी शक्ति भी चला दी। दोनों शक्तियां आपस में चिपट गई अतः कुछ भी नहीं कर सके। उसके बाद मैं कृष्ण के ऊपर शिव जी के अमोघ त्रिशूल को शीघ्र छोड़ दूंगा। इस प्रकार के आंतरिक विचार से दूर से उस त्रिशूल को छोड़ते हुए भूमिपुत्र उस नरकासुर का विचार कर श्री कृष्ण ने त्रिशूल छोड़ने से पहले ध्वस्त कर दिया और उसके सीधे मस्तक को चक्र के द्वारा त्रिशूल की तरह काट दिया जिसके द्वारा नरकासुर यह भी नहीं जान पाया कि कौन जगह किस प्रकार किस समय किस कारण से कौन सा कार्य किस व्यक्ति ने कर दिया। भूमिपुत्र नरकासुर के मारे जाने पर तो समस्त जन्मात्र भूमि में स्वर्ग में अद्भुत हर्ष से खेत से भी यथायोग्य अह इस प्रकार कहने लगे अर्थात श्री कृष्ण के पक्ष वाले हर्ष से विपक्ष वाले खेत से अह बोलने लगे। उसके बाद कमल नयन श्री कृष्ण अपनी प्रियतमा सत्यभामा को गरुड़ की पीठ पर रखकर स्वयं भूमि से उतर के अतिशय बल वाले एवं राजाओं के प्राप्त करने योग्य विजय विजय के हाथी को इकट्ठा करने के लिए जनों को नियुक्त करके क्षण भर कौतुक का अनुभव करने लगे। उसके बाद अपने भार के उतारने संतुष्ट होती हुई पुत्र शोक से सुक्ति में अपने पुत्र नरकासुर के द्वारा हरी हरी गई अतिथि के कुंडल आदि उस दिव्य वस्तु शनि के द्वारा अपने अग्रभाग को पूर्ण करती हुई भूदेवी
अनेक वर्णों से विचित्र बनाती है, मालाओं की वर्षा करने वाली ब्रह्मा आदि प्रजापतियों के द्वारा प्रशिक्षित श्री कृष्ण से मिलकर सर्वतोभाव से उनकी स्तुति करके निवेदन करने लगी। हे भगवान, महापापी होने के कारण जिसका नाम लेना भी उचित नहीं है, अनुग्रह युक्त आपके द्वारा जो देह के बंधन से विमुक्त हो गया है, उसी मेरे पुत्र नरकासुर का यह पुत्र है। ये बालक होने के कारण भाई को प्राप्त हो रहा था, मैंने इसको सभी जनों के अनुकूल आपके पद पंकज के मूल के निकट पहुंचा दिया है, इसलिए सर्व दर्प दलनकारी गरुण रूप वाहन वाले आप यदि इस शरणागत बालक के सिर पर अपना कर कमल समर्पण कर देते हैं, तब तो इसके प्राचीन पापों का विनाश होने की बात दूर रहे, किंतु आगे होने वाले पापों का ही विनाश हो जाए। श्री कृष्ण तो भूमि देवी के अभय मात्र तात्पर्य को निश्चय करके वाणी मात्र से अभयदान देकर हम स्वर्गीय दिव्य पुष्प जिन पर बरसाए जा रहे थे तथा जिनका चरित्र सुकुमार है, ऐसे होकर भूमि पुत्र राजा नरकासुर के घर में प्रविष्ट हो गए और प्रवेश करते से इंद्र की धन के विजय से उत्पन्न दिव्य वैभव को देखते हुए उन्होंने किसी स्थान पर कल्प लताओं के अग्रभाग में चंद्रमा के बिंब देखे, किंतु उन कल्प लताओं के इन चंद्र बिंबों को मानो धूलि से हम ग्रीष्मकाल की भयंकर आंधियों के द्वारा मलिन रूप से देखते हुए श्री कृष्ण का सुख विनष्ट हो गया, किंतु श्री कृष्ण मंद मंद सौंदर्य अमृत के झरनों से धूलि की मलिनता को दूर करने वाले, रजोगुण तमोगुण दूर करने वाले आकस्मिक अचानक मेघ के खंड रूप से जब उन कल्प लताओं को के आगे स्फूर्ति पाने लगे, तब उन कल्प लताओं में श्री कृष्ण में विलक्षण लक्षण संगठित हो गया। तात्पर्य इस गद्य में कल्प लताओं से नरकासुर के कारागार में पड़ी 16,000 कन्याओं को समझना एवं उनके अग्रभाग में चंद्रबिंब के समान दिखाई देने वाले मुखों को ही चंद्रबिंब पद से समझना, अपने सौंदर्य रूप अमृत के प्रभाव से उनकी मनोमलिनता को दूर करने वाले मेघखंड के समान स्थान पर ही श्री कृष्ण को समझना। अतः इस प्रकार की स्थिति में पुनः कल्प वली रूप कन्या एवं श्री कृष्ण दोनों के बीच में एक क्षण भर में प्रतिज्ञा उत्पन्न हो गई कि ये कन्याएं ही मेरे नित्य प्रिया हैं एवं श्री कृष्ण नित्य पति। उसके बाद श्री कृष्ण दूर से अश्रु जल की वर्षा करने लगे, किंतु वे कन्याएं कंप आदि का धारण करने लगी, किंतु उन कन्याओं के उस प्रकार के चिरकालीन विरह ताप में भी श्री कृष्ण के शीतलता करने के भाव को देखो या विचार कर। सभी ब्रजवासी बोली, हाय हाय, वे कन्याएं कौन सी थी? दोनों दूत सजल हैं। नौकर बोले, नरकासुर में घर में रहने वाली कन्याएं बालकपन से ही श्री कृष्ण ही हमारे पति, इस प्रकार के भाव के ज्ञान में निरंतर अनन्य थी एवं एक साथ अन्य रूप विवाह के लिए नरकासुर के द्वारा एकत्रित किए जाने के कारण अपने को नरक प्राप्त हुए मानती थी तथा अपने व्रत की रक्षा करने के लिए धन्य थी और श्रेष्ठ उपदेव एवं देवता था राजाओं की कन्याएं जिनके हरिवंश पुराण में कुछ कहे गए, कुछ विप्रवंश हरिवंश पुराण में प्रशंसा करते विद्यमान है। जैसे कामनाओं से रहित तो होकर निर्वास से सुखयुक्त तो होता देवियों की तरह निवास करने वाली है, एक 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 वेणी धारण करने वाले उन सभी महिलाओं ने महाभाव श्री कृष्ण के चारों ओर घेर लिया। वे सब काशाई वस्त्र धारण किए हुए थे, सभी अजितेंद्रिय थी, व्रत उपवास के तत्व को जानने वाली थे, श्री कृष्ण के दर्शन को चाहती। तो ये उनको कन्याएं दिखाई दी, राजकुमारियां जो नरकासुर के द्वारा बंदी बना ली गई थी। सब बाल्यपन से ही श्री कृष्ण ही हमारे पति, इस प्रकार के भाव ज्ञान में निरंतर आने लगे। वे काशाय वस्त्र मतलब उनके वस्त्र खराब हो गए थे, सब जितेंद्रिया थी, व्रत उपवास के तत्व को जानने वाली थी, श्री कृष्ण के दर्शन को चाहती थी। अब ये राजकुमारियां कन्याएं कौन थी, कहाँ से आई थी, ये हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, समय हो गया है। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् गोपाल चंपू ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। हरे कृष्णा 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 हरे।